योग आर्या YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे उन सब्जियों के बारे में जिन्हें डायबिटिक पेशेंट बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए? अगर नहीं जानते तो इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज पेशेंट्स कौन सी सब्जियों को खा सकते हैं, साथ ही उनका जूस भी पी सकते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। करेला। करेला कुछ लोगों को ही पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करेला बहुत ही गुणकारी होता है। करेले में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी नामक इंसुलिन जैसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए आप डेली एक करेले का जूस पी सकते हैं। साथ ही करेले की सब्जी वीक में 2 से 3 बार बनाएं और खाएं। ऑफ सीजन में आप करेला सुखाकर भी रख सकते हैं और उसकी सब्जी बना सकते हैं। मेथी। मेथी में अमीनो एसिड होता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मेथी में वाटर सोल्यूबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मेथी कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को भी कम करती है जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप मेथी दाना भी खा सकते हैं। रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं और उसका पानी भी पी लें। इससे डायबिटीज में फायदा होता है। मेथी के सीजन में आप मेथी की हरी सब्जी जरूर खाएं। ऑफ सीजन में आप इसे सुखाकर स्टोर करके रखें, बाद में यूज करें, लेकिन ध्यान रहे इसे धूप में नहीं सुखाना। पालक। पालक एक बहुत अच्छी सब्जी है। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक में फॉलेट, विटामिन ए, बी, सी, ई और के बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर से डाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाता है जिससे ब्लड शुगर एक साथ नहीं बढ़ता। इसलिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपनी डाइट में पालक को जरूर शामिल करें। सेम। सेम की फलियों की सब्जी खाना डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। सेम में फाइबर और इंसुलिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सेम में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगर आप ब्लड शुगर पेशेंट हैं तो सेम की सब्जी जरूर खाएं। इसके अलावा आप इसका जूस भी पी सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। जूस बनाने के लिए इसमें कच्ची सेम के साथ आप टमाटर और पुदीने का यूज कर सकते हैं। यह डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद होता है। पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और पत्ता गोभी नेचुरली डायबिटीज को कंट्रोल करती है। इसलिए पत्ता गोभी की सब्जी और कच्ची सलाद के रूप में खाना दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं। जिन सब्जियों और फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 और 55 से कम होता है वे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही सेफ होते हैं और पत्ता गोभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 होता है। इसमें और भी बहुत से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को पत्ता गोभी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। भिंडी। भिंडी भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक अच्छी वेजिटेबल चॉइस है। डायबिटीज के पेशेंट की डाइट में मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होने चाहिए। भिंडी में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। भिंडी में कैलोरीज की मात्रा भी बहुत ही कम होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। टमाटर।
टमाटर में विटामिन सी के पोटेशियम लाइकोपीन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। टमाटर में पाए जाने वाले फाइबर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाए रखते हैं और टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और हृदय यानी कि दिल से संबंधित समस्याओं को भी दूर रखते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को टमाटर जरूर खाना चाहिए या इसका जूस भी पिया जा सकता है। अदरक, अदरक खाने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है क्योंकि अदरक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ब्लड शुगर पेशेंट्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों से फायदा होता है क्योंकि ऐसी चीजें ग्लूकोज को खून में धीमी मात्रा से रिसने देती हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देता। साथ ही अदरक इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी सहायता करता है। अदरक खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी कम होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कच्ची अदरक जरूर खानी चाहिए। साथ ही आप सुबह खाली पेट अदरक का पानी भी पी सकते हैं, यह भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप कच्ची अदरक नहीं खा सकते तो इसे सब्जियों में डालकर जरूर खाएं। ब्रोकली, ब्रोकली में फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें विटामिन ए और सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए एक अच्छी सब्जी है। यह वजन घटाने में भी सहायक है। साथ ही इसमें नियासिन, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, थायमिन और राइबोफ्लेविन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो दिल और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर रखता है। साथ ही ब्रोकली इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही मजबूत बनाती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो साथ ही आपको मोटापा भी है तो इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हरी बीन्स, बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। इसके अलावा बीन्स में कैल्शियम, विटामिन ए, के और सिलिकॉन भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में भी सहायक है। हरी बीन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। साथ ही इसमें पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, फोलेट अच्छी मात्रा में होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आप अपनी सब्जियों में हरी बीन्स को भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप इन सभी सब्जियों को फ्रेश ही पकाकर खाएं, लेकिन ऑफ सीजन में करेला, मेथी, पालक को आप सुखाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। इनके गुण सूखने के बाद भी बने रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें सनलाइट में नहीं सुखाना। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही जानेंगे कि किस तरह से योग करके भी आप अपनी डायबिटीज को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको हेल्थ से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे योगारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट yogaarya.com को भी विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। See you next one. Till then, stay healthy and safe.